वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले टेंथ न्यू सिलेबस फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.4। पिछले वीडियो में हमने देखा था 1.3। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और यहां पे हमें इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में हमें पूरे 4 सपोजिशंस दिए गए। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे पहले फर्स्ट वन। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे हमें नीचे दिए गए जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उन्हें सॉल्व करना है। ओके, चलिए फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट में कुछ अपॉन्स में जो इक्वेशंस है दिए गए, यहाँ पे दिया है 2 upon x minus 3 upon y equals to 15। यहाँ पे x अपॉन 8 upon x plus 5 upon y equals to 77। तो यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट करना है एक इक्वेशन में। ओके, कौन से इक्वेशन में? लीनियर इक्वेशन, जिसमें कितने वेरिएबल्स रहते हैं? 2 वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, पहले इसे हम सिंपली क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज ओके, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं 2x minus 3y, और इसे हम कितना नंबर देते हैं, फर्स्ट। यहाँ पे इक्वल्स टू 15, यहाँ पे इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते। ओके, इसके बाद हम इसे कॉपी करते, यहाँ पे लिखेंगे 8x upon x plus 5y equals to 77। यहाँ पे इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको ओके, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो x है, ओके, इसको हम 1 upon x ऐसा रहेगा, हमें मिलेगा, रिप्लेस करेंगे उसको किससे, किसी भी अदर वेरिएबल को लेके। ओके, यहाँ पे हम x y नहीं लेंगे, हम वहाँ पे mn ले सकते, a भी ले सकते, अल्फा बीटा ले सकते। ओके, और भी कोई वेरिएबल्स हम ए बी सी डी में से कौन सा भी ले सकते। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई, या फिर हम इसे इसे डायरेक्ट भी लिख सकते। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, 2, यहाँ पे इसे 1, ये क्या है, यहाँ पे नीचे x, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते तो हमें वापस से जो 2 upon x इसे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे इसके बाद माइनस साइन, यहाँ पे 3, यहाँ पे इसे क्या करते हैं, ब्रैकेट में 1 upon y। ओके, यहाँ पे इसका साइन मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ। इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल्स टू 15 लिखते, सिंपल। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 दे देते। और इसके बाद ऐसे ही हम क्या करते, इसे भी करते, यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे इसे 1 से मल्टीप्लाई और अपॉन। ओके, यहाँ पे हम अगर इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से कितना हमें मिल जाएगा, 8 upon x मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन, 5, यहाँ पे 1 upon y। ओके, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 77, और इक्वेशन नंबर दे देते, यहाँ पे 3 दिया था तो यहाँ पे हम 4 दे देते। ओके, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, 1 upon x, 1 upon x और 1 upon y क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे m और n से, आप किससे भी इसको कर सकते हैं, हम यहाँ पे m n से कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखते रिप्लेस 1 upon x by m, ओके, एंड 1 upon y by n, सिंपल। इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन से, 3 and 4, इन इक्वेशन। ओके, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन 3 and 4, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इनके जो वैल्यूज़ है, 1 upon x की जगह हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, 1 upon y की जगह क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हमें क्या है, नया इक्वेशन वो मिलेगा। यहाँ पे लिखते हैं पहले हम 2, यहाँ पे 1 upon x की जगह m, यहाँ पे 1 upon y की जगह क्या है, n। ओके, यहाँ पे माइनस 3 n equals to 15 as it is।
यहाँ पे हम इसे 4 देते तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते 5 देते इसे 5, ओके। और यहाँ पे इसे 8 एम हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 एन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 77 यहाँ का एज इट इज़, और इक्वेशन नंबर इसको 5 देते इसको हम 6 दे देते, ओके। यहाँ पे अगर आप रोमन में इक्वेशन नंबर लिखते तो अच्छा है, ओके, दैट्स गुड। अब हम क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे, ओके। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेम करने के लिए एक इक्वेशन को, अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 2 है, अगर हम इसे इनटू 4 करते तो यहाँ पे 8 होगा, ओके। तो 8 एम हो जाएगा, और यहाँ पे 8 एम दोनों प्लस में हम सब्ट्रैक्टिंग करके इसे कैंसिल करके इसके बाद हम क्या फाइंड कर सकते, एन फाइंड कर सकते, ओके। यहाँ पे एम एन हमें जो एन की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, तो हम चलिए इक्वेशन 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ओके। तो यहाँ पे क्या दोनों सेम हो जाएंगे, यहाँ पे हमें लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 है बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ओके। 4 तो क्या होगा, यहाँ पे हम पहले 4 लिखते हैं बाहर, और यहाँ पे जो पूरा इक्वेशन हमारा 5 है उसे हम लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, ओके। यहाँ पे हमने ये लिख दिया 2m-3n=15। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, और यहाँ का m एज इट इज़, यहाँ पे माइनस का साइन माइनस, यहाँ पे 4 3 12, ओके। यहाँ पे n, और इसके बाद 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। कितना मिल जाएगा, 60, ओके। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 4 को 2 से किया, उसके बाद 3 से, उसके बाद 15 से, तो हमें यहाँ पे एक नया इक्वेशन मिला। इसे इक्वेशन नंबर देते हैं, यहाँ पे क्या था 6 था, यहाँ पे इसे हम 7 देते थे, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन को लेंगे, और कौन से इक्वेशन को, यहाँ से एक इक्वेशन को, ओके। इन दोनों का क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो दो यहाँ पे माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ पे किस में से किस में, छोटे में से बड़े, यहाँ पे पहला छोटा कौन सा है, लास्ट में देखते हैं हम इक्वल के बाद, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे क्या है 60, यहाँ पे इक्वेशन 7 लिखेंगे, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 6, ओके। यहाँ पे हम पहले कौन सा नीचे इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 6 लिखेंगे, 8m+5n=77, 8m-12n=60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग है तो यहाँ पे इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस में तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस में तो प्लस में कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, ओके। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 8m-8m तो क्या होगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों प्लस में तो क्या 12+5 प्लस करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 70n मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 17, ओके। यहाँ पे हमें 17 मिल जाएगा, इसका लिखेंगे देयर फॉर, यहाँ का जो 17 यहाँ पे हम भेजेंगे डिवाइडिंग में, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाएगा, डिवाइडिंग में हो जाएगा 17/17, इसके बाद हमें जो एन का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे 1 सिंपल, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एन का वैल्यू मिल गया। अब एन के वैल्यू के बाद हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, एम का वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट n=1 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में हम पुट करते हैं, यहाँ पे चलिए एस 6 वाले में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन कौन सा, 6 इक्वेशन, ओके। यहाँ पे नीचे इक्वेशन 6 लिखते हैं, यहाँ पे हमें कितना दिया गया, 8m+5n=77, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, n का जो वैल्यू वो पुट करते हैं इसमें, यहाँ पे लिखते हैं पहले देयर फॉर 8m+5
यहाँ पे 1 = 77, यहाँ पे क्या होगा, 5 1 = 5 हो जाएगा ओके। यहाँ पे 8 m, यहाँ पे इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये जो 5 प्लस में यहाँ पे ये क्या होगा यहाँ पे जाएगा ओके, यहाँ पे जाएगा किस में हो जाएगा माइनस साइन में चले जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं 8 m = 77 - 5 करते, यहाँ पे हम इसे माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पे अगर हम 77 - 5 करते तो हमें मिल जाएगा 72 ओके। कितना मिल जाएगा हमको 72। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे जो 8 है यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे भेजेंगे हम, किस में हो जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं m = 72/8, अरे क्या 8 का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे, 72 आएगा 9 टाइम ओके, 8 9 = 72, यहाँ पे 9 टाइम में कट हो रहा है सिंपल। यहाँ पे लिखते therefore m = 9, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई ओके। यहाँ पे हमने जो n और m का वैल्यू फाइंड किया है किसके बराबर, जो n हो किसके बराबर 1/y के, और जो m किसके बराबर 1/x के ओके, जिसे हमने रिप्लेस किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे वापस से ओके। यहाँ पे मैंने n m का वैल्यू लिख के रखा ओके। यहाँ पे इसके बाद हम करेंगे नाउ क्या था n किसके बराबर था, n = 1/y के, और m किसके बराबर था, m = 1/x के ओके। मतलब ये 1/y किसको बराबर होगा, 1 को बराबर होगा = 1, और m किसको बराबर, यहाँ पे 1/x किसको बराबर होगा 9 को होगा ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 1 और ये 1 ओके। देखिए यहाँ पे जो 1 है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते सिंपल। यहाँ पे क्या 1 × 1 हो गया = y × 1 हो गया ओके। यहाँ पे y × 1 करेंगे तो यहाँ पे y हमें मिल जाएगा, और 1 × 1 करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा ओके। तो हमें यहाँ पे जो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1 मिल गई सिंपल। यहाँ पे बाद में और तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/x है, x की वैल्यू 1/x = 9 है। यहाँ पे देखें यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ओके। यहाँ पे क्या करते हैं हम पहले x × 9 = 1 × 1 ओके। यहाँ पे क्या होगा 9x हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा सिंपल। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या हमें मिल चुका है 9 और x, यहाँ पे = 1 में। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ पे और करना है आपको नेक्स्ट ओके। यहाँ पे क्या करना है जो 9x है यहाँ पे क्या है मल्टीप्लायर में, हम यहाँ पे भेजेंगे किस में जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 1/9, तो यहाँ पे हमें किसका वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, और यहाँ पे हमें y का ओके। तो यहाँ पे हम लास्ट में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन इज x, y = क्या है x 1/9 है, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे 1 ओके। तो हमने यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया सिंपल। तो यहाँ पे ऐसा ही करना था। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, हम इसके बारे में और समझेंगे ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सब क्वेश्चन 2 देखते हैं। हमें यहाँ पे सब क्वेश्चन 2 दिया गया है 10/x + y + 2/x - y ओके = 4, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 15/x + y - 5/x - y = -2। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो x प्लस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई क्या है सेम, यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई क्या है सेम ओके। तो हमने पिछली बार क्या किया था, रिप्लेस किया था, वैसे वापस से करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं इसको गिवन इक्वेशन जो हमें यहाँ पे 1 और 2 से देते ओके, यहाँ पे लिखते हैं
पहले गिवन इक्वेशन इज क्या है, फर्स्ट टेन अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फोर, या हमें इक्वेशन नंबर दे देते हैं यहाँ पे से फर्स्ट, ओके, और यहाँ पे से सेकेंड, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई, सिंपल यहाँ पे, और इसे हमने इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर टू दे दिया। अब क्या करेंगे, हमने जिस पिछली बार किया था यहाँ पे लिखेंगे, रिप्लेस क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम पहले से ऐसे लिखेंगे, देखिए 10 इंटू यहाँ पे 10 इंटू किसके साथ होगा 1, और यहाँ पे x प्लस वाई, ओके, यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे 2, और इसको क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई से इंटू करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू 4 लिख देते हैं। यहाँ पे हमें कौन सा इक्वेशन मिल चुका है, थर्ड इक्वेशन मिल गया, ओके। नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे दिया गया 15 प्लस 5 है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसका 15 और 1 अपॉन एक्स प्लस ओके वाई, सिंपल, यहाँ पे माइनस माइनस, ओके, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या करते इसको दे देते 4। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इसको ऐसे वापस से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें यहाँ पे 10 अपॉन एक्स प्लस वाई जो वापस से मिल जाएगा, ओके। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिप्लेस, ओके, रिप्लेस क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बाय किससे करते, एम से, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई करते किससे, एन से करते, ओके। तो कौन से इक्वेशन में करना है, इन इक्वेशन कौन से, थर्ड एंड फोर, ओके, यहाँ पे लिखते थर्ड एंड फोर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम और एन की वैल्यूज है वो पुट करके एक नया इक्वेशन रेडी करेंगे, ओके। यहाँ पे लिखते हैं हम 10m प्लस 2n इक्वल्स टू 4, ओके, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, नया इक्वेशन मिल गया हमें इसका। यहाँ पे हमने क्या किया था, फोर्थ किया था, इसे हम फिफ्थ कर देते, और इसके बाद यहाँ पे 15m, उसके बाद माइनस 5 वन अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई क्या है, n है, ओके, यहाँ पे n, उसके बाद यहाँ पे माइनस 2 एज इट इज़, यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम इसे क्या करते हैं 6 दे देते हैं, ओके, यहाँ पे इक्वेशन नंबर है 6। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो नए इक्वेशन से फॉर्म कर दिए। अब इसको क्या करना है, हमें कहीं पे मैच करके नंबर जिसका आगे का सॉल्यूशन है वो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखने आपको, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू, अगर हम 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वेशन 5 में क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा 5 टू सा 10 हो जाएगा, ओके, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ओके, 10 एन 10 एन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो सिंपल हम इसे कट कर पाएंगे। चलिए करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, पहले 5 बाय किससे करेंगे हम, 5 से करते हैं, ओके, यहाँ पे पहले 5 लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं ब्रैकेट बना के पूरा इक्वेशन है वो लिख देना है हमको, 2n इक्वल्स टू 4, इसके बाद क्या करेंगे 5 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 50m हो जाएगा, यहाँ पे 5 टू सा कितना हो जाएगा 10m n हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 से कितना हो जाएगा 20, ओके, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, नया इक्वेशन मिल गया, ऐसे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे इसे हम 7 दे देते, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन
यहाँ पे अब हम कौन सा इक्वेशन मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 5 किया था, यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 6 किससे करेंगे, यहाँ पे 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते बाय 2। ओके, यहाँ पे भी तब हमें इधर 10 मिला, वहाँ पे भी हमें 10 मिल जाएगा। यहाँ पे पहले क्या करते, 2 लिख देते, यहाँ पे जो पूरा इक्वेशन है उसे लिखते, इसके बाद 15m-5n = -2। ओके, यहाँ पे 15 2 30m, यहाँ पे -5 2 10, एन यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे -2 2 4, यहाँ पे -4। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, नया इक्वेशन मिल गया। ये 7 तो हम इसे 8 नाम दे देते। ओके, यहाँ पे अब हमें इन दोनों इक्वेशन को आगे लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। ओके, प्लस 10n - 10n, तो क्या करेंगे हम एडिंग करेंगे, सिंपल। चलिए लिखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन लिख दिया है, कौन सा था, 7th और 8। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को एडिंग करेंगे, सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन, कौन कौन से, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। ओके, यहाँ पे दोनों लिखते हैं इक्वेशन ऑफ 50m + 10n = 20, 30m - 10n = -4। ओके, यहाँ पे ऐसे हम क्या करेंगे, 50 + 30 क्या हो जाएगा, 80। यहाँ पे लाइन मार देते, यहाँ पे m का m एज इट इज़। यहाँ पे इसके बाद क्या, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 10 तो क्या कट हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भी तो 0। ओके, नो इशू, कुछ नहीं लिखेंगे, चलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20 है पर -4, तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 20 में से 20 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 16 मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर 80m कितना = 16 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 80, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइडिंग में भेजेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे m = 16/80, यहाँ पे सॉरी 80 ऐसे। ओके, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 16 का टेबल अगर 5 टाइम पढ़ेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या, ये 1 सा होगा, ये 5 सा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या m का वैल्यू हमें मिल गया 1/5 में। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसी m को यूज़ करके किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, n का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, चलिए लिखते हैं, पुट m = 1/5, उस इक्वेशन में पुट करते हैं, इन इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे हम 7th वाले में कर देते हैं। ओके, 7, यहाँ पे क्या करते हैं, 50m + 10n = 20 लिखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन फुल है उसे एज इट इज़ लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप जो m का वैल्यू जितना उसे हम पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या 50 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे देयर फॉर का साइन रहेगा, सिंपल। यहाँ पे क्या m का वैल्यू कितना है, 1/5, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट कर देंगे, सिंपल। ओके, यहाँ पे प्लस और ये इतना एज इट इज़ लिखते हैं अभी। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 50, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में। ओके, यहाँ पे इसके साथ 1 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में 50, और यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, यहाँ पे नीचे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 टाइम इस जाएगा। ओके, यहाँ पे 10 टाइम, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 10n = 20। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे प्लस 10 है, सिंपल, यहाँ पे प्लस 10 है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भेजेंगे किसके पास, 20 के पास। तो यहाँ पे प्लस से माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए 10n
इक्वल्स टू 20 माइनस 10। ओके यहाँ पे 10 इक्वल्स, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इसके बाद क्या, इसके बाद जो 10 है यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ में से हम यहाँ पे भेजेंगे 10 अपॉन 10, ये कितना हो, ये 1 सा। ओके तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई है अभी, एन की। ओके एन की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। यहाँ पे लिखते हैं हम देयर फॉर एन इक्वल्स टू 1। तो हमने अभी क्या क्या फाइंड किया, यहाँ पे एम का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके तो यहाँ पे हम वापस से क्या करेंगे, नाउ करके यहाँ पे एम का वैल्यू और एन का वैल्यू जो पहले कितना था, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये किसका वैल्यू था, एम का। ओके और यहाँ पे एन का वैल्यू क्या था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हमने जैसा पीछे क्या था पिछले समय वहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे यहाँ पे। चलिए करते, हमें यहाँ पे एम का वैल्यू कितना मिला था, 1 अपॉन 5 और एन का वैल्यू 1 मिला था। ओके तो हमने यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एम कितना था हमारा, पहले जिससे हमने रिप्लेस किया था एक्स प्लस वाई था। ओके और एन कितना था हमारा, एन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ओके यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन क्या है, इसके इक्वल है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिखते, उसके बाद 1 अपॉन 5 यहाँ पे और करते हैं, यहाँ पे क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एन के उसको इक्वल भी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिखते। ओके सिंपल। और इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पे 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ओके एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमें इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा। ओके यहाँ पे क्या करते हैं, 5 इंटू कितना, 5 मिल गया। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस वाई में मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो हमें यहाँ पे एक नया जो इक्वेशन है वो मिल गया। ओके यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, 5। तो हम यहाँ पे नया इक्वेशन नंबर देते हैं, हम इसे हमने 8 तक किया था, यहाँ पे हम इसे 9 इक्वेशन नंबर दे देते। ओके और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ओके यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी हमें x माइनस वाई मिलेगा, यहाँ पे x माइनस वाई प्लस टू हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो इसको अभी एक इक्वेशन नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 10 दे देते हैं, यहाँ पे हमने 9 दिया था। ओके तो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर हमारा नया वाला मिल गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y का। ओके चलिए इनके वैल्यूज़ फाइंड करते हैं हम एक्स और वाई के। यहाँ पे हम पहले ये लिखते हैं इक्वेशन, क्या इक्वेशन क्या है, ये 9 है, ये 10। देखिए यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस में तो एडिशन करके हम सिंपली इन्हें कट कर पाएंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन कौन से, 9 और 10, 9 एंड 10 सिंपल। और फिर हम इन दोनों को लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ओके यहाँ पे क्या प्लस माइनस में होगा तो कैंसिल, यहाँ पे x 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइडिंग में होगा, डिवाइडिंग में 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x। ओके यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हमें मिल गई, 3। तो यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू 3, हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिल गई। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो x के वैल्यूज को पुट करके हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की। चलिए करते हैं पुट, क्या है x इक्वल्स टू 3, कौन सी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में करते हैं, यहाँ पे 9 वाले में कर दे, इन इक्वेशन 9 करते। ओके यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ओके यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देते
वाई इक्वल्स टू फाइव। सिंपल, यहाँ पे क्या करते हैं इसको हम 3 को यहाँ पे भेजेंगे, यहाँ पे क्या प्लस में यहाँ पे जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे वाई इक्वल्स टू फाइव माइनस क्या 3। ओके, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ पे लिखते हैं वाई इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया और यहाँ पे ऊपर एक्स का वैल्यू मिल गया। तो आपको यहाँ पे लास्ट में लिख देना सॉल्यूशन इज क्या है, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 3,2। ओके सिंपल। चलिए यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन सब क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ पे 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 वाई प्लस 2 के अपॉन यहाँ पे इक्वल्स टू 85। यहाँ पे हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे क्या 31 एक्स माइनस 2 प्लस 27 अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ पे हमें क्या देखना है एक्स माइनस 2। ओके, यहाँ पे एक्स माइनस 2 बोथ आर सिमिलर, एक्स प्लस 2 यहाँ पे एक्स प्लस 2 क्या सिमिलर। ओके, यहाँ पे हमारा एक्स वन सॉरी यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन 2। ओके, यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप गिवन इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस सेकेंड। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे 27, इसके बाद आपको यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है 1 एक्स माइनस 2। ओके, यहाँ पे प्लस का साइन क्या 31, यहाँ पे आपको इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को अपॉन में उसके साथ। ओके, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट इक्वल्स टू 85। यहाँ पे कौन से, यहाँ पे 3, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम इसको भी ऐसे सिमिलर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 31। ओके, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और यहाँ पे इसे प्लस का साइन 27, यहाँ पे भी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस 3। ओके, इक्वल्स टू 89। इसके बाद क्या करेंगे हम 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड 1 अपॉन वाई प्लस 2 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एम और एन के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिप्लेस। ओके, रिप्लेस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 किसके साथ, एम के साथ, एंड 1 अपॉन वाई प्लस ओके 2। सिंपल। ओके, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे देखते हैं एक्स माइनस 2, यहाँ पे हम क्या कर दिया इसको 1 अपॉन 2 में वाई प्लस 3, यहाँ पे भी वाई प्लस 3, यहाँ पे 3। ओके सिंपल, तो हमने इसको किसके साथ करेंगे, एन के साथ 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 3 किसके साथ है, एन के साथ, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस 2 किसके साथ बाय एम एंड दिस बाय एन। यहाँ पे हम क्या करते हैं हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, इसे हम पहले इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। ओके, यहाँ पे हम किसके साथ इन इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे इन इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन 3 एंड 4 में, 3 एंड 4। ओके, इसमें चेंजेस करने हमको इन दोनों इक्वेशंस में करने हैं, वहाँ पे हमने लिख दिया रिप्लेस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बाय एम एंड 1 अपॉन वाई प्लस 3 बाय एन इन इक्वेशन 3 एंड 4। यहाँ पे हम चलिए नया अपना इक्वेशन जो है वो लिखते हैं। यहाँ पे हमें नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 27 एम मिल जाएगा एंड 31 एन इक्वल्स टू 85। इसे नया इक्वेशन देते हैं 5। ओके, यहाँ पे 31 एम प्लस 27 एन इक्वल्स टू यहाँ पे 89। यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 6 देते। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको क्या देखना है, इसके लिए मैंने क्या किया था, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसके जो फॉर्मेट है मैंने आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस एट 1.1 में लास्ट क्वेश्चन में बताया था। ओके, लास्ट दो दो क्वेश्चन थे, यहाँ पे देखना है आपको, आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी एक्स ओके इक्वल्स टू सी एन, यहाँ पे बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल्स टू सी, देखिए यहाँ पे ए ए मैच हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे बी बी मैच हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखना 27 27 है,
31 31 है। तो इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले एडिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग करेंगे इन्हीं दोनों इक्वेशन को। ओके, यहाँ पे हम पहले लिखते क्या, एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स लिखते हैं। यहाँ पे एडिंग इक्वेशन, कौन से इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, फाइव एंड सिक्स। ओके, यहाँ पे चलिए लिखते 27/m 31 यहाँ पे नीचे प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे 31 27 एंड सिंपल, यहाँ पे इक्वल्स, यहाँ पे ऊपर 85 है और यहाँ पे 89 है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इसको ऐडअप करेंगे, 71 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 23 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 58 m हो गया, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा हमें, 58 m में हो जाएगा यहाँ पे। और इसको ऐडअप करेंगे तो 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे क्या 8 8 कितना हो जाता है, 16, यहाँ पे 17, तो यहाँ पे 17। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे भी 58, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम कॉमन बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे m + n लिख देते हैं ब्रैकेट में करके। ओके, यहाँ पे 174, तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 58 तो इसको यहाँ पे भेजेंगे, m + n = 174। यहाँ पे ये डिवाइडिंग में जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या डिवाइडिंग में, यहाँ पे देयरफॉर का साइन लगाना है आपको साथ में। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए यहाँ पे m, यहाँ पे m + n इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा, ये 4 टाइम में। ओके, यहाँ पे देखते करते, यहाँ पे अगर देखते 558, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते कि 8 4 32, सॉरी, तो यहाँ पे हमें लास्ट में क्या करना है, 4 लाना है। तो 4 अगर 8 1 8 8 2 16 8 3 24, तो यहाँ पे लास्ट में 24 का क्या है, 4 यहाँ पे आ रहा है। ओके, कितने टाइम में आ रहा है, 3 जा, तो यहाँ पे फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। यहाँ पे हम क्या 4 से जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या हमें 8 3 24, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 5 3 15 16 17। ओके, यहाँ पे 17 है, कितने टाइम में जाएगा, मतलब 3 टाइम में जाएगा यहाँ पे 3। ओके, तो यहाँ पे हम हमारा नया इक्वेशन लिख देते हैं, m + n यहाँ पे = 3। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एडिंग करके सॉल्व किया, हमको यहाँ पे नया इक्वेशन मिला, यहाँ पे 6 दिए थे, यहाँ पे से 7 देते। और उसके बाद हम सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो हमें और एक नया इक्वेशन मिलेगा, उसको क्या नंबर दे देंगे, 8 दे देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने एडिंग कर दिया, इसके बाद क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग करते हैं हम। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 5th और 6th इक्वेशन लिख दिए, इसका हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन किस में से, 5 from 6। ओके, यहाँ पे हम पहले 6 वाला लिखेंगे, यहाँ पे नीचे देखते 31 m + 27 n = 89, यहाँ पे 27 m + 31 n = 85। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में इसका माइनस करेंगे, अकॉर्डिंग टू सबट्रैक्टिंग रूल इसमें क्या होगा, साइन जो रहता है वो चेंज होता है। ओके, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे क्या प्लस है तो यहाँ का भी माइनस। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 20 31 में से 27 जाएगा, कितना मिलेगा हमको, 4। ओके, यहाँ पे 4 बड़ा साइन किसके पास, 31 मतलब यहाँ पे प्लस है ऊपर, यहाँ पे नीचे माइनस है, सिंपल। तो यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा, मतलब यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। ओके, यहाँ पे क्या 31 के पास क्या माइनस का साइन, 27 के पास प्लस का, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 31, तो यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं, यहाँ पे हम इसे माइनस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 85 माइनस, यहाँ पे देखिए बड़ा साइन किसके पास, 89 के पास, इसे माइनस करेंगे हमें 4 मिलेगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, 58 को बाहर कॉमन निकाला था, वैसे यहाँ पे 4 4 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे लिखते 4 m - n। ओके, m - n = 4। यहाँ पे क्या है, जो 4 है यहाँ पे क्या होगा, जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ओके, m - n यहाँ पे = 4/4 यहाँ पे 1। ओके, तो हमारा जो m - n
एम माइनस एम कितना हमें 1 मिल गया। यहाँ पे हमें नया इक्वेशन, हमने उसको इक्वेशन नंबर 7 दिया था, यहाँ पे इसको 8 देते। ओके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एम, यहाँ पे इक्वेशन सेवन क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, एम प्लस एन इक्वल्स टू 3 हमें मिला था, इक्वेशन 7 मिला था। ओके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें यहाँ पे प्लस एन है, यहाँ पे माइनस एन है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग करिए इन दोनों को, कट करके सिंपल यहाँ पे हम जो एम है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद पुट करके एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नीचे एडिंग इक्वेशन 8 एंड 7। ओके 7 एंड 8 भी लिख सकते हैं, आगे पीछे यहाँ पे लिख सकते हो, बस सबट्रैक्टिंग में ऐसा नहीं होता, सिंपल आपको यहाँ पे याद रखना है बात। यहाँ पे क्या है, एम माइनस एन है, एम माइनस एन इक्वल्स टू कितना हमें मिला, 1 मिला, और यहाँ पे एम प्लस एन हमें कितना मिला, 3 मिला। ओके अब हम क्या करेंगे, एडिंग एम, एम क्या हो जाएगा, 2 एम हो जाएगा। ओके यहाँ पे 1 एम 1 एम, आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे -1 माइनस एन एन प्लस एन, इससे क्या होगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को वहाँ बेच के एम की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे, यहाँ पे 4 अपॉन 2, तो एम की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं एम इक्वल्स टू 2, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम को ही वैल्यू पुट करेंगे, पुट एम इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में हम पुट करते हैं, चलिए यहाँ पे 7 वाले में, इन 7। ओके यहाँ पे इन 7 सिंपल, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, एम प्लस एन इक्वल्स टू 3 है, एम की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे एम की जगह 2 प्लस एन इक्वल्स टू 3। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 वहाँ पे भेजेंगे, एन इक्वल्स टू 3 माइनस 2, एन इक्वल्स टू, यहाँ पे देयर फॉर का साइन लगा था, जाना है आपको एम, एन इक्वल्स टू कितना हमें मिल जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। ओके तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, एन की मिल गई, और यहाँ पे हमें एम की मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को हम पुट करेंगे साइन, और जो एक्स वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू उसे हम फाइंड करेंगे। ओके यहाँ पे देखिए मैंने एम और एन का वैल्यू लिख के रखा है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नाओ। ओके यहाँ पे हमने एम का वैल्यू कितना था हमारा पहले, जिससे हमने रिप्लेस किया था, कितना था, 1 अपॉन -x -2 था। ओके और एन का वैल्यू कितना था, 1 अपॉन y+3 था। ओके अब हम यहाँ पे इसको साथ में लेंगे, और इसको और इनके सामने इनकी वैल्यू, एम एन की वैल्यू पुट्स करेंगे। ओके यहाँ पे लिखते हैं देयर फॉर 1 अपॉन x -2 इक्वल्स टू क्या है, एम का वैल्यू यहाँ पे 2। ओके और यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन x+3, यहाँ पे क्या है, एन का वैल्यू 1 है। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते कैसे, यहाँ पे नीचे 2 के कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके यहाँ पे इसके दोनों के नीचे क्या है, 1, सिंपल। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पे 2 x -2, और यहाँ पे 1 × 1 क्या होगा, 1 ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y+3 = 1 ही मिलेगा। ओके यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से मिलेगा, और 1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1, सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या 2 × x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसके बाद माइनस, अब 2 × 2 करेंगे क्या, 4 हो जाएगा। ओके यहाँ पे ये 1 एज इट इज़, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो चुका है, तो यहाँ पे आगे क्या स्टेप होगा हमारा। ओके यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या है, प्लस में अगर हम यहाँ पे इसको 1 के पास भेजते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे 1 - 3 हो जाएगा। ओके सिंपल यहाँ पे हम इसका पूरा सॉल्व कर देते हैं, y इक्वल्स टू कितना हमें मिल जाएगा, 2, क्योंकि
यहाँ पे बड़ा नंबर किसके पास है, 3 के, मतलब यहाँ पे 3 पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे हमें वाई का वैल्यू कितना मिल गया, -2 मिल गया। चलिए यहाँ पे एक्स का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे कितने दिया गया है, 2x-4=1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, 4 यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे जाएगा प्लस में, तो x=1+4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2x=5, सिंपल। यहाँ पे देखिए 2x=5, और इसके बाद लिखेंगे देयर फॉर, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे हम भेज देंगे x=5/2। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है 5/2, y की वैल्यू मिल गई है -2। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लास्ट में x, y। ओके, यहाँ पे x, y=5/2-2, इज दिस सॉल्यूशन, ये क्या हमारा सॉल्यूशन है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेंदी है बट क्या बहुत ही इजी है। ओके, यहाँ पे आपको 3 से 4 नंबर के लिए ये जो क्वेश्चन है पूछेंगे, सिंपल। यहाँ पे आपको बस प्रैक्टिस करना है, लेंदी है बट यहाँ पे बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको लास्ट में आंसर जो है मिल जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सब क्वेश्चन 4। चलिए सब क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो सब क्वेश्चन 4 है थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे ये मैच हो रहा है, यहाँ पे ये भी हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है और यहाँ पे भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है इसको हटाने के लिए, सिंपल। और यहाँ पे ये 8, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए करते, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 करते और इसको इक्वेशन नंबर 2, इसके बाद हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, देखिए 2 × फर्स्ट वाले के साथ, यहाँ पे नीचे 2x+y, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 3x-y। ओके, और यहाँ पे इसको हम एज इट इज लिखते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 का जो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई वो हमने कर दिया, यहाँ पे भी हमने कर दिया, यहाँ पे भी हमने कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया, बोथ साइड लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 और ये 2 दोनों 2 2 है तो कट यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डिवाइड में चले जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। ओके, सिंपल, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इसके बाद हमें कौन सा इक्वेशन, नया इक्वेशन है वो मिल गया। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे इससे जो हमें नया इक्वेशन मिला उसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3x+y-1/3x-y=-1/4। ओके, यहाँ पे इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन से इक्वेशन को आगे लेके जाके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला और यहाँ पे नीचे ये थर्ड वाला। ओके, चलिए हम क्या करते हैं, इनको पहले अलग अलग लिखते हैं, हम क्या करेंगे रिप्लेस, या फिर हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, रिप्लेस जाने देते हैं हम, क्या हम अपना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए
यहाँ पे क्या वन है, तो वन से क्या करेंगे, यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम नीचे कैसे लिखेंगे, वन यहाँ बाहर चले जाएगा और ये क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, 3x+y, यहाँ पे ये वन बाहर, यहाँ पे 1/3x - y = 3/4। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे से नया इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन 4, और इसको हम आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन 3 में करेंगे। ओके, यहाँ पे 1/3x+5 सिंपल माइनस यहाँ पे 1/3x - y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/-4 है तो 1/-4। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इनको, 1/3x+5 को किससे, m से कर देंगे, और 1/3x - y को किससे कर देंगे, n से कर देंगे। ओके, चलिए लिखते हैं यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस 1/3x+y इक्वल बाय, यहाँ पे बाय लिखेंगे, बाय m एंड 1/3x - y बाय n से, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन, यहाँ पे हमने इसे नाम नहीं देते, नाम देते हैं यहाँ पे इक्वेशन से 5, यहाँ पे 4, इन इक्वेशन 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा नया इक्वेशन जो सेम लिख लेते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो क्या हम डायरेक्ट m लिखेंगे, m के साथ 1 है। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट m लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे n सिंपल, यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू 3/4। ओके, यहाँ पे क्या, अब हम m डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पे n इक्वल्स टू -1/4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे नया नाम देते हैं, हम इक्वेशन 6 करते हैं, यहाँ पे इसे इक्वेशन 7 करते हैं। ओके, यहाँ पे इसे इक्वेशन 6 और 7, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एडिंग करके इसे हम कट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एडिंग इक्वेशन कौन कौन से, 6 एंड 7। ओके, यहाँ पे 6 वाला लिखते हैं, m+1 = 3/4, और यहाँ पे m - n = -1/4, यहाँ पे क्या, प्लस माइनस कट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 इसके आगे, मतलब क्या, यहाँ पे 2m होगा, 1m + 1m 2m, और यहाँ पे आपको अभी ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/4 - 1/4। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको देखते हैं, देयर फॉर 2m = यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, लिखते 2, यहाँ पे 4 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। ओके, अब यहाँ पे 2/4 हो गया, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे हम नीचे मल्टीप्लाई में भेजेंगे, m = यहाँ पे 2/4 के साथ क्या होगा, (multiply by 2), तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1, तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m = 1/4 मिल जाएगा। ओके, हमें यहाँ पे किसका वैल्यू मिल गया, m कितना है, 1/4। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हम जो m की वैल्यू से पुट करेंगे, पुट m = 1/4 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कौन से करते हैं, चलिए इसमें करते हैं। ओके, 6, यहाँ पे हम 6 वाले में कर देते हैं, यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखेंगे हम, m + n = 3/4, यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 + n = 3/4। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, प्लस में। ओके, यहाँ पे होगा क्या होगा, है माइनस में, यहाँ पे जाएगा तो किस में हो जाएगा, -3/4,
माइनस वन अपॉन फोर। ओके तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये माइनस थ्री माइनस वन करेंगे कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। और ये फोर फोर कॉमन यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे एन इक्वल्स टू हमें टू अपॉन फोर मिल गया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये कट होगा वन अपॉन टू हो जाएगा। यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, एन का वैल्यू इक्वल्स टू एन कितना हो गया, हमें मिल गया ये वन अपॉन टू किसके बराबर, एन के। ओके यहाँ पे हमने फोर वन अपॉन फोर किसके बराबर है, एम के, और यहाँ पे ये एन के, तो हमने एन एम का वैल्यू ढूंढ लिया। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे हम नौ करेंगे और इनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। क्या हमें एम, क्या हमें यहाँ पे एम कितना था, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई। ओके और एन कितना था हमें, वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई। हमें यहाँ पे क्या कर दिया वापस से, इसको हमें रिप्लेस करना, नाउ लिख के आपको ऐसा लिखना है। ओके अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो एन एम की वैल्यूज़ है वो पुट करते हैं इसमें। हम पहले यहाँ पे लिखते हैं देखो, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू पुट करते हैं वहाँ वन अपॉन फोर। यहाँ पे और करते हैं, यहाँ पे थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन अपॉन टू है, तो वन अपॉन टू। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर हम यहाँ पे इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा, और यहाँ पे इसको भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे इतने, यहाँ पे इसको करेंगे तो हमें फोर। ओके यहाँ पे भी हमें सेम मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं, यहाँ पे ये फोर हो जाएगा। पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स प्लस वाई मिल जाएगा हमें। ओके और यहाँ पे इसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो फोर, तो हमें यहाँ पे एक नया इक्वेशन मिल गया। हमने लास्ट इक्वेशन सेवन नंबर दिया था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर एट करते हैं इसको, और यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर नाइन मिल गया। ओके इक्वल्स टू टू, यहाँ पे हम नाइन लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे हम एडिंग करेंगे। ओके यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे एडिंग इक्वेशन एट एंड नाइन सिंपल। एट एंड नाइन को क्या करेंगे, एडअप करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं दोनों इक्वेशन, लिखते हैं थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू। यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस तो कट, यहाँ पे क्या थ्री एक्स कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे फोर टू सिक्स हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमें जो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, सिक्स अपॉन सिक्स करेंगे, यहाँ पर सिक्स यहाँ डिवाइड में आएगा तो वन। हम यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, वन मिल गया। यहाँ पे लिखते देयर फोर एक्स इक्वल टू वन। ओके यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे लिखा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे एट इक्वेशन ले लेते हैं, एट ओके इन इक्वेशन एट, यहाँ पे लिखते थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। ओके थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू कितना है वन थ्री, यहाँ पे इंटू वन प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, और इसके बाद यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री हमें मिलेगा प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। यहाँ का ये जो थ्री यहाँ पे हम भेजेंगे। ओके यहाँ पे आपको देयर फोर का साइन लगाते जाना है, यहाँ पे इसका वाई इक्वल्स टू फोर माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा देयर फोर वाई इक्वल्स टू वन। कैसे हुआ, फोर माइनस वन किया तो हमने यहाँ पे क्या था, प्लस में था, यहाँ पे भी गया माइनस में हो गया। ओके वाई इक्वल्स टू वन मिल गया सिंपल। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ पे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। ओके एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वन कॉमा वन इज द सॉल्यूशन। ओके तो यहाँ पे अगर आप सम्स को देखेंगे, ये क्या है लेंदी है, वहाँ पे टू टू पेजेस में आंसर आ रहे हैं, बट जो सॉल्यूशन इनका है बहुत इजी है। ओके दे आर लेंदी बट इजी। तो क्या होता है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस,
मैक्स आपको यहाँ पे बस प्रैक्टिस करना है, ओके। आप इसे सिंपली कर पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वापस से देखिए, अगर कोई न्यू क्वेश्चन मन में आते तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन ओके करूँगा। तो मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आपको टाइम पे मिल जाएगा वीडियो, बेल आइकन ऑन रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझा हो ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में मेरे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।